वोक्सवैगन पोलो इंडिया के मोस्ट पॉपुलर हैचबैक में से एक गाड़ी है। भले वोक्सवैगन के प्रोडक्ट्स इंडिया में कम हैं, पर जो क्रेज पोलो की है वो किसी दूसरे वोक्सवैगन के गाड़ी की नहीं। जब हम पोलो इस कार के बारे में सोचते हैं, तब फन टू ड्राइव, पावर, परफॉर्मेंस जैसे शब्द हमारे दिमाग में आते हैं, क्योंकि वोक्सवैगन पोलो की इमेज हमेशा से ही कुछ इस तरह की रही है, जो कि इसे बाकी मैन्युफैक्चरर्स की कारों से बहुत अलग बनाती है। पोलो इस जर्मन गाड़ी का कंपैरिजन सेगमेंट की किसी और गाड़ी से हो ही नहीं सकता। पोलो इस गाड़ी ने ही इंडिया के अंदर प्रीमियम हैचबैक का सेगमेंट शुरू किया था। गाड़ी को भारत में 2010 को लॉन्च किया गया था, जब लोग अफोर्डेबिलिटी के बारे में ज़्यादा सोचा करते थे। गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी और सेफ्टी पर कोई भी शक नहीं कर सकता, क्योंकि गाड़ी ने ग्लोबल एनकैप के क्रैश टेस्ट में 4 स्टार स्कोर किए हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी रेटिंग मानी जाती है। पर इस गाड़ी को भारत में 10 साल होने के बावजूद भी पोलो की सेल्स फिगर अच्छी है। इतना ही नहीं, बल्कि गाड़ी के लुक्स एवरग्रीन होने की वजह से गाड़ी कभी भी पुरानी नहीं लगती। ग्लोबल मार्केट में वोक्सवैगन पोलो ने 45 ईयर्स कंप्लीट किए हैं। गाड़ी के पेट्रोल इंजन की परफॉर्मेंस अच्छी है, जो लोगों को इसकी ओर अट्रैक्ट करती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम वोक्सवैगन पोलो के कुछ मॉडिफिकेशंस देखने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर पोलो को डीसी मॉडिफिकेशन में भेजा जाए तो इस जर्मन हैचबैक का किस तरह से मेकओवर हो सकता है, ये आप देख सकते हैं। इस गाड़ी में बड़े पैमाने पर मॉडिफिकेशन किए गए हैं। फ्रंट में रेंज रोवर इवॉक टाइप हेडलाइट्स है। इस मॉडिफाइड पोलो में सुपर वाइडर टायर्स लगे हैं। साथ ही इस गाड़ी के अंदर बहुत चौड़ा बॉडी किट मौजूद है। पिछले दरवाजे हटा दिए गए हैं और आगे और पीछे के बम्पर बदल दिए गए हैं। इस बॉडी किट के अंदर मुख्य रूप से 2 रंगों का इस्तेमाल हुआ है, ब्लैक और रेड। पीछे के एग्जॉस्ट रेक्टेंगुलर शेप में है और गाड़ी के फीचर्स में कुछ छोटे मोटे बदलाव किए गए हैं। गाड़ी के इंटीरियर में बकेट सीट्स के साथ टचस्क्रीन ऑडियो सिस्टम लगाई गई है। गाड़ी की मॉडिफिकेशन का काम एकदम टॉप नॉच क्वालिटी का है, पर आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि इस गाड़ी के मॉडिफिकेशन का खर्चा ही 28 लाख रुपीज़ का है, और अगर इसमें कार के प्राइस को जोड़ दिया जाए तो ये टोटल खर्चा 35 लाख का हो जाता है, जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव और ओवर प्राइज है। इतना कॉस्टली मॉडिफिकेशन करना एक पागलपन होगा, जिसमें वाइडर टायर्स और बॉडी किट का इफेक्ट सीधा इंजन पर होगा। यह है BS4 पोलो GT, जो 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन में है। इसमें नया बॉडी किट लगाया गया है, जो वोक्सवैगन के आर लाइन इस परफॉर्मेंस वाले व्हीकल के लाइनअप से इंस्पायर्ड है। गाड़ी के फ्रंट में नया कस्टम बोनेट और बड़ा लोअर ग्रिल है। गाड़ी के हेडलैम्प्स BMW इंस्पायर्ड मैट्रिक्स हेडलाइट्स है। साइड में आपको इंटीग्रेटेड इनटेक और आउटलेट है। गाड़ी में 17 इंचेस के GTR प्रो रिम्स लगे हैं। पीछे की तरफ मर्सिडीज स्टाइल टेल लाइट्स और डिफ्यूज़र, साथ ही ड्यूअल टेल पाइप्स है। गाड़ी के पेंट की अगर बात करें तो वो है चैमलोइन पेंट स्कीम, जो कि बहुत ही अलग किस्म की पेंट स्कीम है। गाड़ी के इंटीरियर में ज़्यादातर चेंजेस नहीं हुए हैं, यहाँ पर सिर्फ आफ्टर मार्केट ऑडियो सिस्टम लगाई गई है। यहाँ पर है ग्रीन वॉक पोलो, जो कस्टम रैप जॉब में है। गाड़ी का बेस कलर ग्रीन है, पर आगे के लेफ्ट साइड में आपको ब्लैक कलर नजर आता है। गाड़ी में कई सारे चेंजेस हुए हैं, जिसमें नया फ्रंट ग्रिल आर बैज्ड में है। वोक्सवैगन का लोगो कंप्लीट ब्लैक कलर में है। गाड़ी के हेडलैम्प्स में ट्विन प्रोजेक्टर सेटअप दोनों साइड में है, जो स्क्वेरिश LED DRLs इसे और भी अट्रैक्टिव बनाते हैं। गाड़ी का बम्पर ओरिजिनल है, पर साइड में लगे मल्टीस्पोक अलॉयज मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। गाड़ी को स्पोर्टी बनाने के लिए ग्राउंड क्लियरेंस कम रखा गया है। पीछे की तरफ फ्लक्स डिफ्यूजर ट्रीटमेंट है। टेलगेट पर नया वोक्सवैगन का लोगो है। गाड़ी का रूफ ब्लैक में है और पीछे का स्पॉइलर इसे और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव और स्पोर्टियर बनाता है। इस पोलो का मॉडिफिकेशन सच में गजब का है, क्योंकि ऐसी टू फेस वोक्सवैगन पोलो आपको कहीं पर भी नहीं देखने मिलेगी। जहां पर ईगल आई प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स विथ DRLs, न्यू WRC बम्पर ग्रिल आर लाइन हनीकॉम मेश ग्रिल के साथ रिप्लेस किया गया है, जहां पर पोलिस लाइट भी लगाई गई है। गाड़ी की एक साइड ब्लैक में है, जबकि एक साइड व्हाइट में। दोनों भी साइड्स को रेड लाइन के साथ सेपरेट किया गया है। गाड़ी के पीछे की तरफ टेल लाइट्स को स्मोक्ड इफेक्ट दिया गया है, साथ ही ड्यूअल एग्जस्ट पाइप को लगाया गया है। गाड़ी में बोरा स्पीड फायर एग्जस्ट सिस्टम है, जो एक्चुअली में फायर फ्लेम्स निकालती है।
ये है पोलो जीटी एयरलाइन, जिसे और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव और स्पोर्टी दिखने के लिए व्रैप के साथ मॉडिफाई किया गया है। गाड़ी में स्टेज 2 सुपर चिप परफॉर्मेंस ट्यूनिंग है, जो TCU ट्यून लॉन्च कंट्रोल के साथ है, जिसमें गाड़ी स्पोर्टी होने के साथ इसके परफॉर्मेंस में अपग्रेडेशन हुआ है। गाड़ी में मैग्नाफ्लो ब्लैक एग्जिस्ट है, तो बहुत ही नॉइजी है। गाड़ी के बॉडी व्रैप का नाम है स्मेल ऑफ ब्लड। वोक्सवैगन पोलो दुनिया भर में सबसे ज्यादा मॉडिफाइड होने वाली गाड़ी है। यह है वोक्सवैगन पोलो GT TSI, जिसे बहुत ही कॉम्प्रेसिव मेकओवर मिला है। गाड़ी का मॉडिफिकेशन सनसेट रेड कलर में है। गाड़ी के फ्रंट में कस्टम फ्रंट लिप, कार्बन फाइबर बोनेट और कुछ पार्ट्स लगे हैं। गाड़ी में GTI स्टाइल हेडलैम्प्स और एयर वेंट्स बोनेट पर हैं। गाड़ी के 18 इंच रिम्स एलेरा सिग्मा टायर्स के साथ बहुत ही अलग अंदाज में है। गाड़ी के टायर्स की साइज 15 इंच की है और रिम की साइज 18 इंच की है, जो कि एक अनमैचेबल कॉम्बिनेशन बनाता है। गाड़ी के हाई परफॉर्मेंस लुक्स सनरूफ के साथ पूरे होते हैं। गाड़ी के अंदर लगा है परफॉर्मेंस ट्यून स्टेज 1 ECU यूनिट, साथ ही ग्रिड 7 कस्टम एग्जस्ट, जो BMC एयर इंटेक के साथ रास्तों पर शोर मचाने के लिए काफ़ी है। गाड़ी में सस्पेंशन को अपग्रेड करके ग्राउंड क्लियरेंस को कम किया गया है और इस मॉडिफाइड पोलो में पैडल शिफ्टर्स भी लगे हैं, जो कि बहुत ही यूनिक फीचर्स इस गाड़ी में दिया गया है। ये पोलो केरला की है, जो पहली मार्बलोरो रैप कार है। इस गाड़ी का मेन अट्रैक्शन रैपिंग है। इंटरनेशनल लेवल पर मार्बलो रैप इस बॉडी रैप के साथ मॉडिफाइड गाड़ी आपको बहुत मिलेंगी, पर भारत में नहीं। ये भारत की पहली ऐसी वोक्सवैगन पोलो है जो मार्बलो रैप इस बॉडी रैप के साथ मॉडिफाई हो गई है। गाड़ी का ओरिजिनल कलर रेड है। गाड़ी का स्टॉक बम्पर आरलाइन बम्पर के साथ रिप्लेस किया गया है, जो ज़्यादातर स्पोर्टी कारों के मॉडिफिकेशन के लिए यूज होता है। गाड़ी में ऑल ब्लैक मल्टीस्पोक अलॉय व्हील्स है, जो पूरे कार के लुक को ही बदल देते हैं। ब्लैक स्पॉइलर रूफ पर लगे हैं। इन कॉस्मेटिक चेंजेस के अलावा भी गाड़ी के टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस में कुछ मॉडिफिकेशन हुए हैं। इसके एग्जस्ट सिस्टम में अहम बदलाव हो गए हैं। गाड़ी के इंजन की पावर अब बढ़ गई है। इस गाड़ी के मॉडिफिकेशन का खर्चा 4 लाख का है। तो दोस्तों, यही थे वो कुछ यूनिकली मॉडिफाइड वोक्सवैगन पोलो। आपको इनमें से कौन सी वोक्सवैगन पोलो पसंद आई, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिए। साथ ही आप और कौन सी गाड़ियों के मॉडिफिकेशन देखना पसंद करेंगे, ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में तो बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।